क्या नबला किसी का लिंग रहा किसी की लिंगरी बोले आपस में अंतर लाओ करते हैं लोग क्या है यो परिभाषा जानते हो इसकी नहीं जानते सिर्फ अवस को लव मानते हो लव मतलब प्यार मतलब प्रेम प्रेम को तुमने जाना ही नहीं प्रेम क्या है प्रेम वो है गोरा माने शंकर भगवान से किया प्रेम वो है जो रुक्मणि जी ने कृष्ण भगवान से किया और तो और जमा बोली तो बोली बात ले लो मारे दादा दादी चाहे कितनी भूडी दादी आ गई चाहे कितना है भूडा दादा मिल गया कदे तलाक सुने नहीं था अपनी जिंदगी में तलाक भी क्यों हो सके और आज देख लो छह महीने भी रिश्ता नहीं चलता नुकोगे हम तो तलाक लेंगे हमारी छोरी का क्या थे आगलिया में भी खोट पाव है बात छोरिया पर भी लागू है भाई और छोरिया पर भी जाति पाति तक तो बात चल कोई बात नहीं भाई इतना तो मैं भी नहीं मानता मैं जाति पाति को ज्यादा अहमियत देने वाला बच्चा नहीं हूँ मैं सिर्फ मानता हूँ उस चीज को जिसके गंदे कर्म है मैं कर्म देखता हूँ जाति पाति को नहीं मानता मेरी डिक्शनरी में जाति पाति शब्द है ही नहीं और हम जाति पाति को मानेंगे तो बस समाज चाल लगा क्योंकि एक प्रचारी जाति पाति में घुस गया तो फिर प्रचार क्या करेगा हमारे लिए सारा समाज बराबर है इसलिए जाति पाति तो आड़ते ही तो बात ठीक थी भाई प्रेम करते हैं दूसरी जात में ब्याह कर लिया कि मन चल जाएगा आदत तो जब होगी चाला तो जब पाट गया जुलम तो जब हो गया काम की छोरी काम का छोरा गड़े है अरे कोर्ट में जाकर मारा गाल यहाँ पर समय अरे जुलम की बात है आद की बात है इस तरह बूंदा कली को कदे आ नहीं सकता लोगो सरकार उस पर मोर मारो न्यूकस है इन्होंने लव मैरिज कर ली प्रेम विवाह कर लिया कोई इनकी तरफ उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली काट दी जाए उसकी जेल है अरे न्यू बताओ इस तब ऊंडा नाश कद होगा रे लोगों बताओ बताओ काम को हंड के बालक आपस में ब्याह करना की और किए कसर रे गिरे नाश होना बताओ रे की में कसर ईव तो एक आधा दादा अंदर पाड़ से थारी गेल बन जाएगी जब बेरा लगेगा अपनी छाती पादर जब बेरा लगे भाई बाण बेटी मारो भी से थारो भी से एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बहनों मेरी बेटियों लागू तो लड़कों के ऊपर भी है ये बात मगर आप ज्यादा कीमती हो तुम तुम्हारी टूम हो बेटियो तुम तुम्हारी मारे गहने हुए आए बेबे जे तमें नहीं सही रहोगे तो हमने कौन पूछेगा गली का कुत्ता भी ना पूछे और मारी बाण बेटी सही होगी तो हमारी वैल्यू न्यारी होगी बेबे दादा की कितनी इज्जत है बाप की कितनी वैल्यू है एक भाई की कितनी इज्जत हो गांव राम में गांव गवांड में जिस घर की बहू जिस घर की बेटी जिस घर की बाढ़ बिगड़ी एक मिनट में सारा सौदा पानी में गया भाई दुनिया अंडा पकड़ बांध देखी मैं ना होना चौधर चौधर किस चीज की चौधर इज्जत की हे मेरी बहनों हे मेरी बेटी एक टांग बखड़ा होगा हाथ जोड़ू थारे आगे मको भजन ही नहीं मको कलाकार नहीं मैंने गाना नहीं आता बेबे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना करता हूँ जो माँ बाप आपको नाजों से पालते हैं जो भाई आपके ऊपर गर्व करते हैं सर ऊंचा उठा के जीना चाहता जो भाई तुम उसकी शान हो और भाई का चौड़ा सीना जब होगा जब बेबे सही होगी और बेबे की भी छाती जब चौड़ी होगी जब भाई सही राय पचार लगा एक दूसरे के पूरक है हम हे मेरी बहनों जो रात ने अपने माँ बाप के साथ धोखा करके किसी गैर मर्द के साथ गैर लड़के के साथ भाग जाती है वो बेटी नहीं है वो कुलच्छड़ी है कुलच्छड़ी किसी सिया ने तो भट्ठा खोल कर रखा है देश का ऐसे ऐसे बेटे ने तो नाश कर रखे क्या के बेटे हुए समाज का भट्ठा है गोली ने कर दिया वो बेटी नहीं है जो अपनी इज्जत की बलि देती है जिसने माँ बाप का नहीं देखा जिस छोरा ने अपने माँ बाप के अपने दादा की पगड़ी का नहीं देखा ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं कुछ मर्यादाएं होती हैं जीने की कुछ दायरे होते हैं नहीं तो पशु पक्षियां मर मर के फर्क रह गए लाख 84 यूनिया भुगतने के बाद इंसान का पावन चूर्ण मिलता है और इंसान सबसे उत्तम है परमात्मा के खजाने में सबसे उत्तम चीज एक ही है मानव का चोला और आदमी का चोला पा के भी तुम पशु पक्षियों वाले गलत काम करते हो इंसान मर गद्या में और कुत्ते में बिल्लिया में के फर्क रह गया बताओ गौर करके सुनना कोई भजन नहीं है कोई शब्द नहीं है ये मेरी आत्मा की आवाज है माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली वह बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली माँ बाबू की गर्दन पे माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली वह बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली माँ बाबू की गर्दन पे
इस टाइम मैं एक कलाकार नहीं हूँ, इस टाइम मैं एक भजनी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एक 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 बार नो सोच लो मैं थारा भाई बोल रहा हूँ। इस टाइम चाहे रिश्ता मतलब मेरी कुछ भी लगती हो, थोड़ी देर मेरे 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 मेरी तरफ देखो और थोड़ी देर ये रियलाइज करो, ये महसूस करो कि हमारा भाई कर रहा है। बे गौर करना, माँ बाबू बड़े लाड चाव से अपनी बेटी के लाड चाव करके उसको पालते हैं पोसते हैं। एक माँ टूटे लितरा मांडे जागी लोगों के जीरी मड़ंगा पड़वाओगी, हेमरी बेटी सुवासन हो जाएगी, ये देखे कान्ना के बनवाने से सोना महंगा हो गया, खुद पाटे कपड़े मांडे जागी, हे मेरी पिंकी का, हे मेरी बेटी का ब्याह है, हे ये मना सूट लेने हैं बढ़िया बढ़िया, बिस्तरे लेने हैं, यू लेना, खुद भूखे अंडे जागी अपनी बेटी खातर क्या नहीं। एक पिता जड़ा पैर धरना भी पसंद नहीं करता, एक बाप अपनी बेटी का ब्याह में रुपये सा कर्जा ठाना पड़ोड़ भी गुट्ठा टेक दे, जड़ा पैर धरना भी पसंद नहीं करता, अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। और जब किसी की बेटी ने धोखा दे जावा के बीतस है जिसका गिल बनो उन्होंने बेरा है लोगो। और सुनो भाई एक और कह दू, जरूरी नहीं है दो शब्द है, एक है चिता एक है चिंता, एक बिंदी का फर्क है लेखन में, चिंता में की बिंदी लग है और चिता में लगती गोनिया। और अंतर देखो, चिता मुर्दे को फूकती है, मरे आदमी को फूकती है, मगर चिंता जिंदा शरीर को जलाती है। जिस माँ बाप के लिए काम हो जाए ना भाई, वो चिता में तो एक बदला आदमी और जिसकी गले अडकांड हो जाओ डेली पल पल मरता है। तो कुड़ी का आदमी बोली मारी, हट तू भी बोला तेरी बेटी ने करा, जीवन तो क्या रह जाता है, बस जो जिंदा लाश के समान हो जाते माँ बाप। क्या लिखा है, जो कर दे ढूंढी पिट जा, बड़े सुननी बुरी भली वा बेटी नहीं कुलछड़ी, जो इज्जत की देवे बली माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली वा बेटी नहीं कुलछड़ी, जो इज्जत की देवे बली की गर्दन। सुनो ए मेरी बेटी हो मेरी बहनों, 20 साल तक एक माँ बाप अपनी बेटी को बड़े प्यार से पालता है, उसे घर में खावेगी, उड़े नहावेगी, उड़े रोटी खाओगी, उड़े पानी पियोगी, उड़े सोवेगी, सारे काम छड़दम रहेगा माँ बाप का घर। हर 20 साल की हुई नहीं पांख लिकड़ आऊ और फिर कोर्ट में जाके नुकेगी, नहीं मैं तो इस लड़के के साथ रहूंगी। 20 दिन किसे लिंगरे गेल रहे, जो 20 साल का प्रेम 20 साल का लाड एक मिनट में भूल जाती है। कौन सी मोहब्बत सच्ची, 20 दिन वाली या 20 बरस वाली, गौर कीजिएगा जरा सोचो। राजी ने 20 साल तक तम पाले उनका 20 दिन में सब क्यों भूल गए, डूब कर मर जाना चाहिए। दर्द लिखा नंबर दो, क्या लिखा है, खुशियाँ का बाग उजड़ जा, खुशियाँ का बाग उजड़ जा, मुरझा जा कली कली वा बेटी नहीं कुलछड़ी, जो इज्जत की देवे बली माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली वा बेटी नहीं कुलछड़ी, जो इज्जत की देवे बली माँ बाबू की गर्दन में। एक मिनट सुनने की बात है भाई, थोड़ा गौर करियो।
एक असली बात बताऊंगा, मेरा रेजिडेंस जींद में है, वर्तमान में मैं जींद में रहता हूँ। मेरे एक तो मेरा ताऊ का छोरा है, एक हमारा चाचा का छोरा, काकसर की घड़िया बैठी है, नाम लिखते पहचान भी जाएंगे, कुलदीप मुन्ना गोली का भाई और मेरा ताऊ का लड़का सोनू सजना का। ये दोनों जने कोर्ट में जाग रहे हैं, रोज सवेरे बाइक पर जाते हैं, दोनों भाई कई सालों से कोर्ट में जाते हैं। और मेरा घर का पाछा को मेन रोड लग गया, ये कुआ जब जी करनी आ जागर मैं आ जागर आंदे जाते जी लाग रहा भाई है मेरे। एक दिन दोनों भाई जाडा के टेम की बात है, दोनों मेरा घर आ गए शाम ने, जाडा चढ़ रहा मखा तोले बढ़ जाओ गुदरा में मखा ले चाह बनवाऊ तेरी बापी में। और जो कुलदीप बनी छोटा भाई वो बेचारा भोंडा मुंह कर रहा, मैं बोले माँ के बात सर कुलदीप भोंडा मुंह क्या कर रहा, असली बता रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूछ भी लियो छोर भाई। बोले मैं रामधन तीन दिन हो गए रोटी भी नहीं अच्छी लगती, मैं के बात बोले यार मेरी आंखा गए कि जहाँ नजारा देख लिया मैंने, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ ना नींद आंदी, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मैं के हो गया। बोले भाई तीन चार दिन पहले की बात है, एक बूढ़ा बुलाया कोर्ट में जज ने, 60 साल का होगा कम से कम भी, और गेल बूढ़ी, अरे बोले जज साहब ने बुलाया कट गरम खड़ा कर दिया, जज साहब ने बोला ताऊ तने शर्म नहीं आती, तू अपनी 20-21 साल की छोरी ने धमकी दे अक्तना गोली तो उड़ा दूंगा, ताऊ इस उम्र में मर्डर करने की धमकी देवे तो ना शर्म आनी चाहिए मड़ी दुड़ी। इतनी बात उस बुढ़ा आदमी ने सुनी, आजुड़ गखड़िया ने बोला जज साहब की मैं तो शर्म कर ले रहा, मैं खून करने का दिखूं तना, मैं मर्डर करने का दिखता हूँ तेरे को, अरे तेरा भी छोरी होगी रे, तना पूरी कहानी का बेरा है कौन यार। न बोला जज साहब के कहानी है, न बोला कहानी सुन ले भाई, जज सुन दे भाई, अरे मेरी एक बेटी एक ही संतान, मेरा छोरा भी नहीं रहे, मैंने जी ला के पढ़ाई मेरी छोरी, समा खूब कर्जा ठा गए पढ़ाई, और इतना विश्वास था मेरी लाडली कति मेरा भीतर बड़ी राह करती, मन नू नहीं बेरा था क्या भी धोखा दे जाए, कति जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरी छोरी की उम्र 20-21-22 साल मुश्किल तो हुई है, और जिसके गिल ब्याह कराया 42-43 साल का मलंग है, ना काम का हाथ लादा, दिन रात दारू पी हुए, अपना भविष्य एक मिनट में अंधकार में गिर लिया मेरी छोरी ने। रन बता रहा जज साहब मैं क्यों कर सबर कर लिया, कह बूढ़ा आदमी रो पड़ा, बोलिया जज साहब चाहे बेसक ने गोली मार लिया पर बेजती ना कर भाई, उरा बुला के बूढ़ा आदमी फूट कर रो पड़ा। बोलिया भगवान किसी का बेटी ना दिए, लोग नु कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, मानू हूं मैं भी महापाप है, पर माँ बाबू डरन लागे भाई छोरिया ना जामन ती, क्यों क्यों ये कांड गणे हो लागे, माँ बाप भी किसी बेलो में बड़े बेचारे मजबूरी हो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगली सुन लो एक और बता दू, मन ने खुद अपनी आंखें अखबार में पढ़ी, एक तो छोरा 2 साल का, एक छोरी 4 साल की, और एक उस बड़ी छोरी 7 साल की, तीन बड़का की माँ, सुनियो रे अद की बात, कुवारी छोरी तो के कुआ, तीन बड़का की माँ अपने घर वाले ने छोड़ के किसी गैर मर्द गिल बाज गई। इवन यू बताओ जिसका ब्याह कर दिया जुनसी माँ बन गई, उसके बाद भी इतने गंदे कार्य करती है, हम तो सुने कर दे के पूत का पूत सुने पर माता नहीं कुमाता, पर इस तब भूडा कलयुग कदा होगा रे सजनो। वह बालक उसकी माँ का कुर्ता पकड़ पकड़ खींचे थाने में, मम्मी घर पे चलो मम्मी घर पे चलो, वह रोए और वह उस गैर मर्द का नहीं खड़ी, पुलिस वाले ने बोले भाई ने शादी कर ली हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चा ने बाल घर में ले जाओ बाल सुधार घर में, इनकी सेवा ओडो हो गया नाथ आश्रम भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगले ने ब्याह कर लिया पुलिस वाले ना टिके। अरे कमाल की बात है हद की बात है, ब्याह हो गया माँ बन गई, ममता जागृत नहीं हुई उसके बाद भी हवस जागृत होती है, किस भूल में सो रहे हो आप लोग, कैसा जीवन है ये, क्या कर रहे हैं, क्या क्या जिंदगी है ये, कोई मां बनने के बाद तो ममता के अलावा कोई चीज मन के अंदर आनी ही नहीं चाहिए, आज की बात है 2 साल का बालक बिलबिलावे और वह उसने उनके परे ले जाए, मेरा कुछ नहीं लगता यू मत इसकी गिर जाएंगी, याद रखना आवाज ना उसकी लाठी में पर थोथी मार आकी ना, ओम गुरु कहे काक्षराले रामधन भरम राखिए ना, क्योंकि भले बुरे ने छाटनिया दुनिया में एक है और कितना इशाना बन ले वो सब कुछ देखे है, आड़े तक कानून की नजरों से बच जाओगे मगर उसका कानून ऐसा है ना वो रिश्वत लेता है ना वो किसी की सिफारिश मानता और उसकी लाठी में आवाज नहीं है, ऋषि जगह लाठी मार है परमात्मा समझ में नहीं आवे, ना आदमी खा सकता ना पी सकता ना सो सकता ना जाग सकता ना हट सकता ना फिर सकता, 10 साल हो गए ना मरता, खाट पकड़िया से नीचे खाट काट रखी, महा की हो रहा इसके, बोले 10 साल हो गए जी कोमा मजा रहा, मां कोमा कुमा को नहीं, बोले और के महाकर्मों का भोग है, मगा जुन से मारे कर रखे हो भुगतगा फिर मरेगा, इतने नहीं मरे ऊपर वाले माड़ा फिर हर राम ठा ले बड़े बिरान हो गए सजनो, ये तो बीमारियां के नाम ऊंद रखे हैं, रोड़ा है कर्मों का,
अरे कर्म भूमि अरे भोग भूमि है कदे नु सच मरे पाछा सुरग नरक कुछ नहीं भाई अरे ये सब कुछ अरे माने करोगे अरे भुगतने पड़ेंगे जैसा भोग वैसा काटना पड़ेगा। और लोगो निवेदन है प्रार्थना है मेरी बाणो मेरी बेटी यो काम ना करियो। और छोरे तभी कहना चाहूंगा भाई गलती थारी भी है बाण बेटी मारा भी है भाई तुम किसी की बाण बेटी के लाज गलत करोगे तड़कत थारी गेल भी होगा। समाज बराबर है सबके लिए मेरी बाण भी किसी की बहू है मेरी बहू भी किसी की बाण है समाज ऐसे ही तो चल रहा है। गौर करनी पड़ेगी सरकार का जो मैं नाश हो रहा भट्ठा गोल हो रहा है बोला सेफ हाउस लव मैरिज लिव इन रिलेशनशिप के बकवास है यार। या समाज का भट्ठा गोल करने खातर ये कानून ना रखे कुछ कानून कानून नहीं है। गंठे महंगे हो जाओ टमाटर महंगे हो जाओ हरी मिर्च महंगे हो जाओ सारा देश रोड़ा पर बैठ जाएगा जाम ला देगा। अरे ये इतने बूढ़े बूढ़े कानून बनाने लग रहे क्या जो चुप बैठे हो ये धोले कुर्ते पजामे वाले जब वोट मांगना हो जब क्यों नहीं कहा करते कया करो ये इसे गंदे कानून खत्म करो हमारी मर्यादा को भट्ठा गोल कर दिया बोले अभी विश्वगुरु बनेगा भारत। मैं भी कहता हूँ मेरा देश महान मगर कई बार टीस आती है मैं उस देश को कैसे महान कहूँ जिस देश में सरेआम गऊ काटी जाती है कैसे महान कहूँ उस देश में जहाँ अबला की इज्जत सुरक्षित नहीं है कैसे महान कहूँ मैं उस देश को जिस देश के नेता खुद लाइसेंस देते हैं गऊ काटने का खुद ऐसे ऐसे गंदे काम करवाने का लाइसेंस कौन देता है सरकार देती है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता ना मैंने आम आदमी वाले कि लेना ना मैंने मोदी कि लेना ना कांग्रेस वाले मैं किसी का नहीं कौन भाई मैं हूँ समाज का नुमाइंदा। आपकी बात कही जाएगी नंबर तीन पे क्या लिखा का असर जबर से कलयुग का असर जबर से पता कुण सी कसर खली वा बेटी नहीं कुलक्षणी जो इज्जत की देवे बली माँ बाबू की गर्दन पे माँ बाबू की गर्दन पे वो धर के पैर चली वा बेटी नहीं कुलक्षणी जो इज्जत की एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आखिरी कली है उससे पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं अंत में एक रिक्वेस्ट एक प्रार्थना। गलती अगली छोरी छोरी आकी भी कोनी अपनी छोरी ने सब लोग कहेंगे बेटी सांझ होने पल्ला घर आ जाइए नीची नाड़ रखिए सरपा चुन्नी रखिए बेटी और देखे घनी लेट हो जाता भाई दूर फोन कर दिए लेना आ जाएगा। अपनी छोरी ने 70 डाल की हिदायत देंगी कदे ने काले गट्टी वाला ने भी टोक लिया करो अपने छोरिया ने ओ काली गट्टी वाला किसी की बाण बेटी के लिए गलत कर दिया ना तो साफ जाएंगे कोई माँ बाप नहीं कहता गलत बात है भाई किसी की एकली छोरी कितनी ना जानती कोई ना कोई तो भका वही से मैं भी किसी का छोरा हूं जरूर गौर करना पड़ेगा। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार सोचना पड़ता है मर्यादाएं बनाई है भगवान राम ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया किसी की बाण बेटी गलत करने से पहले एक बंदे को सोचना पड़े बाण तेरे भी से ओ हेलो बाण तेरे भी से नहीं सोचना पड़े से जब जाके कल जा डटना था नाश्ता एक मिनट में कर लिए कोई अड्डे कोई नहीं बोलिया इज्जत कमान देने सारी उम्र लग जा और बुराई लेते ना एक सेकंड लगे चुटकी भर में ईवले ले बुराई जाए। एक रिक्वेस्ट प्रार्थना मेरी बहनों बेटियों थारी गेल मारी वैल्यू है इसलिए इज्जत का ध्यान रखियो भाइयों से प्रार्थना बहनों से भी मेरे मन के भाव नंबर चार में क्या लिखा तारे हाथ में
जो इज्जत की ले बनी।